हमें 19 इम्प्रेशन मिले हैं, हालांकि हमें मिलना चाहिए था 6000 इम्प्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक्स एक भी नहीं हुआ है। यहाँ पर हम क्या है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक को प्रमोट करे थे लेकिन यहाँ पर एक भी क्लिक्स काउंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हालांकि हमें 6000 इम्प्रेशन मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर एक भी क्लिक भी काउंट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट करेंगे। यहाँ पर एड्सरा पर हमारी एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पर एड्स पर अप्रूव है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वो वेबसाइट है जो कि हम जो है एड्सरा पर अप्रूवल यहाँ पर ले चुके हैं, इसी को हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे ट्रैफिक जनरेट करना है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पर आपको अपना यूआरएल पेस्ट कर वहाँ से क्लिक्स को जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो वेबसाइट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं हम डेली वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर वीडियोज़ को वॉच करिए, आप लोगों को यहाँ पर यूज़फुल ट्रिक बता रहे हैं जो कि आप अपने एड्सरा पर क्लिक्स और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंड ट्रैफिक भी बताए हैं और यहाँ पर आप लोग दूसरों की लिंक पर क्लिक कर खुद की लिंक पर भी क्लिक्स करवा कर यहाँ पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए और हमें इंस्टा पर भी जाकर फॉलो करिए, वहाँ पर भी हम डेली रील्स डाल रहे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड आप लोगों को वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है नीचे हम एक यहाँ पर टाइटल दे रहे हैं एड जो कि AI रील्स बंडल है, आप लोग इसको बाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल देंगे, आप जाकर बाई कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीस में आप लोगों को ये ऑल रील्स कैटेगरी का बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको नेम शो हो रहा है डैशबोर्ड पर ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ईमेल ID पासवर्ड पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। टैम मेल का भी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को आज एग्री पर भी क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको इनकी तरफ से एक मेल रिसीव होगा, जो मेल ID आप प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पर वही मेल ID पर आपको यहाँ पर इनकी तरफ से एक मेल आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो दूसरे अपने न्यू टैब पर भी लिंक को कॉपी कर वहाँ पर पेस्ट कर अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लोग वहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल हो जाएंगे, कितने विजिट्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को इस तरह के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर एक होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड से पहले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा रिडायरेक्ट हो जाएंगे, रिडायरेक्ट होने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर जाना है। स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि पेड है, लेकिन हमें यहाँ पर फ्री पर जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप गेट फ्री नानो बोलकर है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये 0 अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं 6000 आप लोगों को हिट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पर ये क्रेडिट कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस तरह का शो हो रहा है। तो आपको वहाँ पर ग्रीन बटन शो होगा फ्री बोलकर, उस पर क्लिक करेंगे और आपका ये जो है नानो जो है क्रेडिट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको बैलेंस यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स जो दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप लोगों को अपना जो है लिंक वगैरह को ऐड करना है, जो कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं, आपके पास किसी भी तरह की वेबसाइट हो आप उस पर ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर इस लिंक को डाल सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आप लोगों को यहाँ पर पैकेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नानो बोलकर है, देख सकते हैं यू हैव 1 क्रेडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को देख सकते ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, थोड़ा रिडायरेक्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से ऑटो रिन्यू बोलकर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपग्रेड करने के बाद ही ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को देख सकते प्रोजेक्ट नेम दे देना है, आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो आपको दे देना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं
ट्रैफिक टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्रैफिक स्पीड वगैरह कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, ये आप लोग आकर एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विजिटर हिट्स कुछ आप लोगों को इस तरह से शो हो रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए प्लान लेना पड़ेगा, उसके आप लोग क्या करिए इसको मत करिए, ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट है दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा टेस्ट कर थोड़ा यूज़ कर उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर इसको परचेज करिए, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग यहाँ पर परचेज मत करिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करना है, पूरे ये अपग्रेड चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, देख सकते हैं टाइम ऑन ईच पेज बोलकर है, आपके पेज पर कितने टाइम तक विजिटर ठहरेगा, ठीक है। वन विजिटर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 5 सेकेंड है तो आप लोग यहाँ पर इसको 30 सेकेंड रख दीजिए, क्योंकि 22-25 सेकेंड तो लोड वहाँ पर होता है दोस्तों, ऐड लोड होता है, तो इसलिए आप लोग 30 सेकेंड यहाँ पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और लाइट जो कहे दोस्तों जो आपकी वेबसाइट है उस पर ऐड लोड होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग 30 सेकेंड यहाँ पर रख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर 30 सेकंड ही सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल पूछ रहा है, ठीक है। यूआरएल आप लोग यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम जो वेबसाइट है हमारी इसका यूआरएल यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी कर हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक यूआरएल दे देंगे हम, एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक यूआरएल दे देंगे, नीचे के साइड यहाँ पर आप लोग यूआरएल दे दीजिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पर आप लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पर 2-3 लिंक काफ़ी है दोस्तों, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आना है और स्क्रॉल करना है, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों को पूरा हटा देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं है, सिर्फ एक ही है डायरेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर 30% मोबाइल से ट्रैफिक मिलेंगी, इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप चाहते हैं ओनली आप लोग या मोबाइल वालों के लिए चाहते हैं, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप लोग कम्प्लीटली रैंडम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर 30% मोबाइल पर ही रहने देंगे। आप नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेव के बटन पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, देख सकते हैं सक्सेसफुली सेव यहाँ पर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डेज तक आपका ये रन करेगा, ठीक है, 30 डेज तक यहाँ पर रन करेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए एनालिटिक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कितने क्लिक्स वगैरह आए हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर रियल एनालिटिक चेक करना चाह रहे हैं तो अपनी वेबसाइट जो है आपकी उस वेबसाइट पर आप लोग विजिट होकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एनालिटिक्स इस तरह से शो होता है तो आपको कितने यूजर्स यहाँ पर विजिट करे हैं पूरा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एनालिटिक्स यहाँ पर आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करिए, काम एनालिटिक्स को ऐड कर दीजिए, वहाँ पर अपने ब्लॉग पर लगा दीजिए और वहाँ पर आप लोग क्या करिए एनालिटिक्स यहाँ पर आप लोगों को अपनी रियल टाइम दिखाई देंगी। आप लोग ब्लॉगर पर भी चेक कर सकते हैं आपके पास कितने व्यूज़ वगैरह आए हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट ब्लॉगर पर भी चेक कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता ही है ब्लॉगर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, एनालिटिक कैसे चेक करना है, कितने पोस्ट पर कितने व्यूज़ आए हैं, कहाँ से आए हैं, पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाती है, या तो एनालिटिक्स का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और इंस्टा पर जाकर हमें फॉलो करिए दोस्तों याद से, ठीक है। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल देंगे, आप जाकर फॉलो करिए, और भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल देंगे, और आई कार्ड पर मिल देंगे, और एंड स्क्रीन में मिल देंगे, जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस है, आप लोगों को वहां पर वीडियो वॉच करना है ये भी, ठीक है। यहां पर से भी आप लोगों को क्लिक्स और ट्रैफिक मिलेंगे, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है जो कि AI रील बंडल, इसमें इंटरेस्टेड है तो आप नीचे जाकर बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग माई वीडियो।